मैं साधना तिवारी साधना फूड में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपके साथ शिमला मिर्च की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शिमला मिर्च की सब्जी तो आप सबने बहुत बार खाई होगी, बहुत टाइप से खाई होगी, पर आज हम बनाएंगे यूनिक सी शिमला मिर्ची की चटनी जो बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए हम बनाते हैं हमारी चटनी, और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल के अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, साधना डॉट फूड। शिमला मिर्च की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है शिमला मिर्च, इसको मैंने कट कर लिया है, इसके अंदर के बीज हमें निकाल देने हैं। ये लिया है रोस्टेड चना दाल, ये आपको किसी भी किराने की शॉप में मिल जाएगी फ्रेंड्स। 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं, 2 से 3 हरी मिर्च है, फ्रेश पुदीना लिया है, फ्रेश हरी धनिया लिया है, जीरा, नमक। चलिए फ्रेंड्स हम बनाते हैं हमारी शिमला मिर्च की चटनी। हमने लिया है एक पैन और उसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स, और इसमें हम डालेंगे हमारी शिमला मिर्च और इसे हम थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। शिमला मिर्च हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही पकाना है। गैस बंद कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे। चलिए हम बना लेते हैं हमारी चटनी। ये मैंने डाल दिया कैप्सिकम, ये हम डालेंगे लहसुन और मिर्च। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये फ्रेश धनिया, ये पुदीना के पत्ते, और फ्रेंड 2 चम्मच मैं डालूंगी ये चना दाल, इससे थिकनेस अच्छा आता है चटनी में। और 1/2 चम्मच जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स चटनी हमारी रेडी है, इसका बहुत ही फाइन पेस्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स चटनी हमारी रेडी है, और इसे पीसने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और पकौड़ों के साथ, स्नैक्स के साथ एंजॉय कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।